नमस्कार, कैसे हैं सब? एकदम बढ़िया। ई देखिए, हम आ गए हैं बढ़िया वाला इंटरव्यू लेकर। लेकिन बताएं, आजकल जैसे ही हम यूट्यूब पे जाते हैं ना, तो यूट्यूब तो मुझे आगे डराने लगा है, और ऐसा डराता है कि वहां सपनों में वही वही नजर आता है। तो हम सोचे हैं कि जो मुंजिया जिन्होंने बनाया है उन्हीं को बुला लेते हैं, फिर उनसे बातचीत करते हैं और जानना चाहते हैं कि ये मुंजिया उन्होंने क्यों बनाया इतना खौफनाक। तो पहले तो स्वागत करेंगे आदित्य आपका, साजी और बेटिया में। अच्छा नमस्ते नमस्ते। जी बताइए, तो मुंजिया लेकर आए हैं, फीडबैक बढ़िया मिला होगा आपको? अभी तक तो बहुत बढ़िया, बिकॉज ट्रेलर आ चुका है, टीजर आ चुका है, तो गाने आ चुके हैं। अब तक 2 दिन में फिल्म रिलीज होने वाली है, तो अब तक जो फीडबैक मिल रहा है वो बहुत एनकरेजिंग मिल रहा है। लोगों को मुंजा पसंद आ रहा है, लोगों को मे बी दुनिया जो फिल्म की है ना, उस दुनिया में लोग काफी इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोगों को वो एक्साइटिंग लग रही है। और जब हम जब 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 से सोचा था ये फिल्म करने की और जब से ये फिल्म बनाने की पूरी प्रोसेस चालू हुई, तब से ये लगता था कि एक थोड़ी हटके फिल्म बने, थोड़ी अलग फिल्म बने जो आजकल बनती नहीं है, और ऐसा जॉनरा, ऐसा स्टाइल सिनेमा का थोड़ा हो कि जो लोगों ने देखा नहीं है। तो एक बहुत बढ़िया बात हो रही है कि टीजर ट्रेलर देखने के बाद लोग यही दोहरा रहे हैं कि लोग हमें यही बता रहे हैं कि यार ये देखा नहीं, ऐसा कुछ अलग लग रहा है। और वो एक आई वुड से अब हमारे लिए एक बहुत इंकरेजिंग बात है कि हम सही राह पे चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है अब तक। आई थिंक फिल्म जब रिलीज होगी फ्राइडे को और फिर लोग जाके बड़े पर्दे पे इस फिल्म को देखेंगे, तब हमें रियल वर्डिक्ट मिल जाएगा कि हम कितने सही और गलत थे। बट अभी तक तो बहुत बढ़िया चल रहा है। अच्छा, पहली चीज ये जानना चाहेंगे, मुंजिया है ना, एक तो नाम मुंजिया है, और जो किरदार लेकर आया, हमें लगता है कि पहली बार ऐसा होगा कि डिजिटली भूत एंट्री करने जा रहा है एंटरटेनमेंट जगत में, क्यों? सही है। तो देखो, मुंजा ये जो नाम आता है, ये नाम आता है महाराष्ट्र से, और महाराष्ट्र के एक रीजन है महाराष्ट्र का, जो कोस्टल रीजन है महाराष्ट्र का, जिसे कोंकण बोलते हैं। तो कोंकण एक बहुत बड़ा रीजन है जो पूरे महाराष्ट्र के कोस्टल बेल्ट को पकड़ के चलता है, मुंबई से लेके गोवा तक। पूरा जो महाराष्ट्र का कोस्टल बेल्ट है उसको कोंकण बोलते हैं, और इस बेल्ट में जो रहने वाले लोग हैं वहाँ, उन लोगों में ये समझ है, गांव गांव में ये समझ है कि जैसे बच्चा जिसकी जिसका मुंडन होता है, बिकॉज वहां पे बहुत एक बड़े लेवल पे ग्रामीण कम्युनिटी भी रहती है, तो उनमें ना मुंडन बहुत बच्चों का सब फैमिलीज में होता है। जब भी बच्चे 8-10 साल के अराउंड अबाउट एज में जाते हैं, तो जो थ्रेड सेरेमनी होती है जिसपे मुंडन किया जाता है, वो बच्चा थ्रेड पहनता है जिसको जनेऊ बोलते हैं, और फिर उसके बाद पुराने जमाने में वो अपने गुरु के पास जाता था शिक्षा के लिए, और फिर वो सारी चीजें त्याग करके अपना घर छोड़ के, अपने दोस्तों को परिवार को छोड़ के शिष्य बन के जाता था। तो वो जो परंपरा थी, उस परंपरा को इसको मुंजा बोलते थे, मराठी में उसको मुंजा बोलते हैं। तो मुंजा से मुंजा बना है, और ये मुंजा से मुंजा कैसे बना है, तो जो समझ है यहाँ की, जो फोकलोर टेल है, जो लेजेंड है, वो ऐसा है कि अगर वो लड़का अपनी थ्रेड सेरेमनी में, इसके बाद अगर वो जनेऊ पहनने के बाद, अगर वो कुछ दिनों के काल में अगर उसका अकाली मृत्यु हो जाए और अगर वो मरता है, तो उसका जो स्पिरिट है वो स्पिरिट मुंजा बनता है। और वो बेसिकली आप हर गांव गांव में पीपल का तो पेड़ रहता है, तो वो पीपल के पेड़ वाला मुंजा, बिल्कुल ऐसी समझ है कि जैसे मैं उस कोंकण से आता हूँ और मेरा भी गांव कोंकण में है, तो हम छुट्टियों में, मैं हूँ रहता हूँ पूना में, पर कोंकण में हमारे कुछ अंकल और ऐसे कुछ रहते हैं, तो हम जब भी छुट्टियों में जाते थे स्कूल के, तभी हमें बताया जाता था कि रात को उस पीपल के पेड़ के नजदीक मत जाना, क्योंकि नहीं तो मुंजा आके पकड़ के लेके जाएगा। तो वो डर था, वो ना बचपन में तो बहुत ज्यादा होता है कि आप दूर से वो पेड़ की तरफ देखते हो, देखते हो कि मुंजा दिखता है क्या, कैसे दिखेगा, क्या करेगा। तो ये सब जो कहानियां हमें बताई जाती है ना बच्चों की तरह, तभी अभी भी, अभी जब मैं गाँव जाता हूँ ना, अभी भी गाँव में ना लोग पूरी वो समझ रखते हैं। अभी भी नारियल उस पेड़ के नीचे चढ़ाया जाता है, अगर गाँव में कुछ बड़ा कुछ त्योहार हो या किसी के घर में कुछ हो, तो ये जो समझ है लोगों की, जो बिलीफ है लोगों का ना, वो बहुत स्ट्रांग है, और इंडिया में तो बहुत स्ट्रांग है। तो मुझे हमेशा लगता था कि जो ये कथा है या जो कैरेक्टर्स यहाँ से आते हैं ना, वो लोगों को बड़े भाते हैं, लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं। और ये मुंजा था जो ना इंडिया तक पहुंचना बहुत जरूरी है, ये है सिर्फ कोंकण में से आया हुआ, पर वो इतना इंटरेस्टिंग है ना कि वो बिल्कुल 8-10 साल का लड़का है, और वो शरारती है, वो बहुत नटखट है, वो उसको गुस्सा भी आता है, वो ऐसा पागल है ना कि वो जब भी एक शैतान बन के आएगा तो एक अलग ह्यूमर और अलग मजा है। तो ये है मुंजा। एक तरह से देखा जाए, मुंजिया जो आपने बताया वो तो है ही, साथ ही साथ आदित्य का बचपन का डर, जो बचपन में हाँ डर हाँ दिखाया गया है बिल्कुल आप, वो बिल्कुल, डर मेरा आपके लिए पता चला होगा। मेरा और मेरे जैसे बहुत सारे लड़कों बच्चों का, जो अभी बड़े भी बूढ़े भी हो चुके हैं, उन सबके बचपन का डर मुंजा है। लेकिन उनके पास जरिया नहीं है ना लाने का, सबको दिखाने का। आपके पास सही जरिया है, आप लाके दिखा रहे। अच्छा, लेकिन एक बात बताइए, देखिए भूत की पिक्चर आ रही है, भूत कैसा दिखना चाहिए?
कैसा होना चाहिए, सुंदर दिखना चाहिए कि ऐसा खौफनाक दिखना चाहिए कि लोग डर जाएं, ये सब पहले ही डिसीजन लिए जाते हैं। तो मुंजिया जिस तरीके से जो बनावट है, हाथ पैर एकदम बांस के डंडे की तरह है, पेट का आता पता नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा है ज्यादा, मुंह एकदम बड़ा, आंखें गोल गोल, तो जो उसका डिस्क्रिप्शन जो बोला जाए, वो कैसे लिया, कहाँ से लिया, मतलब इसका कैसे बना मुंजिया। तो देखो ये बहुत बहुत बढ़िया सवाल है, और इसका ना बेसिक उसका जेनेसिस या उसका बेस कहाँ से बनता है कि एक तो बच्चा है, तो मुंजा है क्या, तो मुंजा एक बच्चा है, बच्चे का भूत। तो बच्चा जब अब बोलते हैं तो उसमें ना एक बेसिक इनोसेंस की बहुत जरूरत है कि वो ना वो लगे कि वो बच्चा, वो ऐसा ना लगे कि वो शैतान है तो एकदम बड़ा शैतान, वो लोगों को देखने के बाद ही लगे कि ये तो बच्चा है और बच्चे का भूत है। तो इसलिए वो आंखें जो बड़ी है ना, वो आंखें उसमें उसका बचकानापन या उसका इनोसेंस लाती है बच्चे की। तो इसलिए हमने जो भी डिजाइन किया ना, तभी हमने बहुत सोचा कि लोगों को कभी भी उसको देख के ऐसा ना लगे कि यार इसका उम्र क्या है। नॉर्मली हम भूतों को रिलेट करते हैं बड़े बुजुर्ग या एक महिलाओं से या जो थोड़ी एज वाइज बड़ी रहती है। बच्चे ऐसे भूत बिल्कुल हमने बहुत सारे देखे नहीं है, और अगर देखे भी है ना तो बच्चों के रूप में ही देखे। तो ये तो मुंजा मरने के बाद काफी साल उस पीपल के पेड़ पे बंधा है, उसको वहां अगर रखा है तो वो पीपल के पेड़ का भी थोड़ा सा उसके बॉडी पे टेक्सचर आएगा। वो इतने सालों से अगर वो पेड़ पे रह रहा है तो वो छुपा रह रहा है पेड़ पे, तो उसको कोई ना देखे इसलिए वो थोड़ा पेड़ जैसा भी बन जाएगा। तो ये जो हमारा एक इमेजिनेशन था उसके बारे में, वो ये था कि एक तो वो ब्राह्मण लड़का है जिसका मुंडन हो चुका है, तो उसके बाल मुंडे हुए हैं, उसकी 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 चोटी है छोटी सी, वो जनेऊ पहना हुआ है तो वो वैसा ही रहेगा, उसके कपड़े नहीं है, उसने एक छोटी हाफ पैंट पहनी है जो स्कूल वाले बच्चे पहनते थे, वो खाकी कलर की, वो वैसे ही पहनी है क्योंकि वो बच्चे वैसे ही थे, और पहराव ऐसे वैसा है, बट फिर उसका भूत अवतार। तो वो कैसे डरावना भी लगे पर थोड़ा बचकाना भी लगे, थोड़ा क्यूट भी लगे क्योंकि वो बच्चा है, पर थोड़ा एक शैतान की स्पेस में भी जाए, तो बहुत ट्रिकी स्पेस है एक सब के हिसाब से गुंजा बनाना। पर हमें लगता है कि हमने बिल्कुल थोड़े से छोटी छोटी चीजें यहाँ से उधर वहां से करके जोड़ के उसको बनाया है, और ये पूरा इमेजिनेशन है हमारा पूरा का पूरा। तो वो हमने वही देखिए, तो वो लोगों को अभी तक तो पसंद आ रहा है। एक इंसान को बिठा कर उसका उसके ऊपर प्रोस्थेटिक मेकअप बोलते हैं, वो सब कर कर के उसको भूत बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन हमें लगता है मुंजिया को बनाना जितनी आसानी से आप बोल रहे हैं उतना आसान हुआ नहीं होगा। लगी हो दिन रात, मतलब दिन का चैन रातों का दिन चल रही होगी, क्यों किस सही है, और एक्चुअली ये आपको क्यों है ना, मतलब। बिकॉज ये एक्चुअली ना हमारे इंटरनल टीम के एक डिस्कशन हुआ था जब भी मुंजा लिखा गया था ना, हमने सोचा उसको प्रोस्थेटिक वाला लड़का कास्ट करे क्या, क्योंकि बच्चे भी बहुत बढ़िया एक्टर्स मिलते हैं, पर हमें ऐसा लगा कि ना मुंजा जिस हिसाब से कूदेगा दौड़ेगा, जैसे वो पेड़ से छलांग लगाएगा ना, ये सारी चीजें ना एक ह्यूमन या बच्चा नहीं कर पाएगा, और वो स्टंट्स भी करेगा तो वो स्टंट दिखेंगी, वो एक्शन दिखेगी। तो इसने जो किया करना है वो ऐसे एक एक प्राणी जैसा है, वो प्राणी ही है, तो वो जैसे हाँ फिल्म में अभी दिखेगा ना, वो जैसे छलांग लगा, वो शॉर्ट में ट्रेलर्स में भी शॉर्ट काफी है, वो सिर्फ एक सीजी कैरेक्टर कर सकता है, क्योंकि फिर उसके साथ हम कुछ भी करवा सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि वो सीजी करने के पीछे जब एक आइडिया निकली, तभी हमने सोचा कि चलो इंडिया में तो रेफरेंस है नहीं, क्योंकि लोगों ने एनिमल्स बहुत बनाए, जैसे आपने RRR फिल्म देखी रहेगी, तो RRR में वो प्राणी बिल्कुल बहुत दिखते बिल्कुल हैं, कि वो आपको शेर दिखता है, आपको काफी प्राणी दिखेंगे, पर ना बोलने वाला, इमोशन देने वाला, डायलॉग्स कहने वाला एक्टर जो पूरा का पूरा कंप्यूटर में बना हुआ है, ऐसे कभी कुछ रेफरेंस ही नहीं था हमारे पास। एक सिर्फ मेरे पास रेफरेंस था, वो था रोबोट पिक्चर का, रजनीकांत का बनाया हुआ रोबोट, पर उसमें अच्छा भी ना वो पूरा मॉडल बना हुआ है और वो पूरे फिल्म में नहीं है, हमारे इधर तो मेन किरदार ही वो ऐसे, तो वो चैलेंजिंग था। इसलिए हमने अमेरिका के एक बहुत बड़ा स्टूडियो है डी नेग, नाम होता है DNEG, तो उस स्टूडियो का हमने कांटेक्ट किया, और उन्होंने ऐसे अभी रिसेंटली आपने देखी थी कि ड्यून नाम की फिल्म थी, या मार्वल की काफी सारी फिल्में होती है, सुपरमैन बैटमैन ये सारी फिल्में होती है, उन्होंने ये सारी फिल्में की थी, तो हमने उनसे कोलैबोरेशन करके उनके साथ मिलके ये कैरेक्टर बनाया है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस है इसकी, बहुत टेक्निकल प्रोसेस है, तो उसमें मैं एक्चुअली नहीं जाना चाहता, बट एक ऐसे ग्रे कलर का सूट पहन के, जैसे अवतार फिल्म आपने अगर देखी रहेगी जो हॉलीवुड की अवतार नाम की फिल्म थी, तो उसमें भी उन्होंने जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था जिसको मोशन कैप्चर बोलते हैं, उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमने इस फिल्म में मुंजा को बनाया। वाह बहुत बढ़िया, मतलब देखना काफी दिलचस्प होगा कैसे जो मुंजिया डराता है हंसाता है, और उसे मुन्नी बहुत पसंद, क्यों। तो मुन्नी ना उसकी बचपन की हम क्या बोलेंगे, उसका बचपन का प्यार है वो, कि वो जब भी छोटा है और वो 10 साल का है तो उसको एक लड़की बहुत उस पर मन आ गया है उसका, और वो लड़की से उसको प्यार हो चुका है, उसकी माँ बोलती है कि आप बचकाना हरकत है, और उसको वो छड़ी से मारती है,
और बोलते कि ये बहुत ऐसे कुछ तेरा उम्र है क्या इस सब ये सब करने की। तो वो है थोड़ा पगला लड़का, वो ऐसे वो उसके भूत सवार हो जाता है उसके सर पे, बोलता है कि नहीं मुझे ये लड़की, और वो मुन्नी की होने वाली है शादी, क्योंकि उस वो मुन्नी है अच्छा इससे 5-6 साल से बड़ी। और पुराने जमाने में ना अगर आप देखते तो 16-15-16 साल में लड़कियों की शादी हुआ करती थी। तो ये लड़का भी ऐसा है कि बोलता है कि नहीं इसकी शादी नहीं होने दूंगा। और फिर क्या होता है, और फिर उसका जो मुन्नी का वो जो ऑब्सेशन है, जो प्यार है, वो उसको जो मिला नहीं है, वो अभी इस जमाने में आके वो मुन्नी को कैसे ढूंढेगा, वो कैसे अपना खोया हुआ प्यार, अपना रहा हुआ प्यार उसको वापस पाएगा, वो सब वो स्टोरी है। बट वो बहुत इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि वो शुरू होती है 1950 के साल में, वो आती है 2024 में, और फिर वो कैसे टर्न और ट्विस्ट लेती है, वो बेसिकली फिल्म है। पता 1950 माने अब तक तो बूढ़ा हो गया होगा, दांत वांत सब झड़ जाएंगे इंसान के, तो देखिए अब मतलब अभी अभी मुंजा, आप हाँ अभी ऐसी इमेजिन कर रहे हैं, देखिए आप वो भी हो इमेजिनेशन सकता है। करके मुंजा को लेकर आए हैं, तो हम इमेजिनेशन करके कहानी अपनी तरफ से गढ़ सही सकते है हैं ना, बढ़िया तो बढ़िया। बहुत बढ़िया बताया। अब घर जाके पूरी कहानी खुद ही खुद गढ़ेंगे और फिर बाद में और उत्सुकता होगी तब फिर तो पक्का जाके देखेंगे, क्यों अरे लवली, थैंक यू। इसी के जरिए है ना, हमें लगता है दर्शक भी जो जाने हैं पहचाने हैं मुंजिया के बारे में, अब उनके अंदर भी होगा कि नहीं ये कहानी ऐसी है, नहीं ये कहानी ऐसी होगी, नहीं ये कहानी ऐसी होगी, तो पक्का देखने जाएंगे। आपको लग रहा है धन्यवाद। ना? हाँ मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ना, जो ऑनलाइन भी जब भी जाता हूँ ना, तभी बहुत सारे फोरम्स रहते हैं, क्योंकि मैं नॉर्मली जी इंस्टाग्राम और ये देखता नहीं, क्योंकि इंस्टाग्राम में तो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें पोस्ट करते हैं, पर अपने काफी फोरम्स रहते हैं जहाँ पे लोग ट्विटर रहे या ऐसे रेडिट रहे, वहां पे जाके लोग लिखते हैं अपने जो चीजें उनको अच्छी लगती है जिनके ऊपर। और मैं देख रहा था पिछले 10-12 दिनों में, जिस दिन से टीजर रिलीज हुआ है उस दिन से अब तक इतने सारे लोगों ने मुंजा का रिसर्च किया है, क्या सवाल पूछे कि यार ये मुंजा क्या होता है कोई बताएगा, फिर किसी ने उसपे उसका जवाब दिया कि यार ये मुंजा ये होता है, फिर किसी और ने बोला कि नहीं नहीं ऐसे नहीं वैसे होता है। तो जो डिस्कशन शुरू हुआ है ना मुंजा के बारे में, वो लास्ट 10 दिनों में इतना दिख रहा है मुझे कि मुझे लग रहा है कि लोगों में भी एक एक्साइटमेंट है ये जानने की कि ये है क्या मुंजा, और फिर हाँ वो ये तो है, एक्साइटमेंट को सही लेके थिएटर में आएंगे तो फिर मजा आएगा। बात है। मात्र 2 दिन बचे हैं, 2 दिन में तभी सब आ जाएंगे और जान जाएंगे मुंडिया क्या चीज यस यस टोटली। है। क्या है मतलब, आप पहले डायरेक्टर ऐसे हैं जो भारत में डिजिटली कहते हैं डिब्यू करवा रहे हैं हीरो का, 10 साल के हीरो का, एकदम तो करेक्ट, आपने जो कहा वो एकदम करेक्ट। तो हमारा जो हीरो है, जो हमें चाहिए, वो सब वही करता है, जैसे हम बोलेंगे मुड़ो मुड़ता है, बोलो बोलता है, बैठो बैठता है, तो ये सब हमारे हाथ में है वो हीरो। पर वो बहुत इंटरेस्टिंग है, और वो अगर चल गया तो हमारे पास उसको लेके काफी आगे सारी चीजें करने की प्लान है। पर अभी के लिए मुंजा देखेंगे, और फिर दर्शकों का प्यार मिलेगा तो आगे की प्लान बनेंगे। बिल्कुल बताओ तकनीकी क्या क्या चीज नहीं ले आई है, उसको देखकर हम यस अचंभित हो गए हैं। आप भैया पिक्चर तो पक्का देखेंगे ताकि पता चले कि कैसे पिक्चर आप लोगों ने बनाई है और कितना आप लोगों ने मुंजिया को नचाया है। लवली, थैंक यू सो मच। ये बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य जी, आपसे बात करके वाकई बहुत मजा आया, और बाकी मुंजिया को फिर से जाके देख लेंगे ताकि रात की नींद फिर से उड़ जाए। और हंसी भी उतनी आए, क्योंकि मैं आपको अश्योर करता हूँ। और एक्चुअली ना मुझे ये कहना भी है, क्योंकि हर इंटरव्यू में कह रहा हूँ कि लोगों के ना बहुत मन में ये रहता है कि हॉरर फिल्म तो यार बहुत डरावनी होगी, तो हम कैसे देखेंगे, फिर रात की नींद उठ जाएगी, तो नहीं यार नहीं थिएटर में जाके ना देखें। पर ये एक ऐसी फिल्म है ना जहाँ पे एक पूरी फैमिली जाके फिल्म देख सकती है, और ये ऐसी फिल्म हमने बनाई है जहाँ पे इनफैक्ट जो फिल्म के अगर कास्ट देखोगे तो वो जहाँ पे ज्यादा करके औरतें ही है, अब मुंजा और वो बिट्टू जो अभय है वो छोड़े तो सारी औरतें हैं। तो हमारी फिल्म में अरे औरतें कर क्या रही है, तो औरतें डेफिनेटली डर नहीं रही है, जो नॉर्मली हर फिल्म में औरतें डरी हुई दिखती है, ना डरा रही है, बिल्कुल ना वो बनी है पिशाच या ऐसे कुछ, तो वो कर क्या रही है, तो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें कर रही है, और उसके लिए हमें हमेशा लगता है कि फैमिली आके फिल्म बहुत एंजॉय करेगी। चलो, बिल्कुल बढ़िया बढ़िया। बाकी आपसे बात करके बाकी बहुत मजा आ गया, उम्मीद करते हैं कि फिर नए सिरे से नए तरीके से नए किरदारों के लिए बात करेंगे, नई फिल्मों के लिए बात करेंगे। क्यों, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और बाकी दर्शकों से एक ही चीज कहूंगी कि साथ जो बेचा कर यूट्यूब चैनल ना उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, कैसे देखिए इंटरटेनमेंट की भी सारी खबरें हैं ना, साथ ही देखिए आपको पहले लाके देता है, कैसे जो रिपोर्टर है ना वो 24/7 काम करते हैं। बाय बाय।